हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। दान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि सभी को अपनी यथाशक्ति से दान करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में दान से संबंधित कई तरह के नियम और कायदे के बारे में बताया गया है। इन नियम और कायदों का हमें दान करते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो दान का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है और कभी तो दान का विपरीत असर भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ नियम किन्नरों को दान से संबंधित हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में किन्नरों का दान करने का विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों की दुआओं में बहुत शक्ति होती है और इनकी दुआओं से इंसान बुरे वक्त से बच सकता है। किन्नरों को दान में धन के साथ ही कई प्रकार की चीजें दी जाती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान किन्नरों को नहीं करना चाहिए। जो लोग इन वर्जित चीजों का दान किन्नरों को देते हैं उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पुराने कपड़े। अक्सर लोग पुराने कपड़ों का दान किसी गरीब को करते हैं, इससे राहु केतु के दोष दूर होते हैं। इस संबंध में ध्यान रखें कि पुराने कपड़ों का दान भूलकर भी किसी किन्नर को न करें, ये अपशकुन माना जाता है। किन्नरों को हमेशा नए कपड़ों का दान करना चाहिए। झाड़ू। झाड़ू घर से गरीबी रूप गंदगी को बाहर निकालती है, इसलिए इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन किसी किन्नर को इसका दान करना अशुभ माना गया है। ऐसा करने पर घर में पैसा नहीं टिकता है। तेल। तेल का दान शनि के लिए किया जाता है। यदि आप चाहे तो किसी गरीब व्यक्ति को भी तेल का दान कर सकते हैं, लेकिन किन्नर को तेल का दान करने से बचें। ऐसा करने पर घर में गरीबी का आगमन हो सकता है। स्टील के बर्तन। किन्नरों को स्टील के बर्तन भी दान में नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। यदि आप बर्तन ही दान देना चाहे तो एल्युमिनियम, तांबा या पीतल के बर्तन दे सकते हैं। प्लास्टिक। किन्नरों को प्लास्टिक की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए, इससे घर की तरक्की रुक जाती है।